नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोर टेस्टी फूड पर। मैं शारदा और आज हम बनाने जा रहे हैं यूपी और बिहार की बहुत ही ट्रेडिशनल डिश चावल के फरे। तो देख लेते हैं हमें किस किस सामग्री की आवश्यकता होगी। चना दाल, चावल का आटा, जीरा, लाल मिर्च पाउडर, हींग, बड़ी इलायची, 4-5 लहसुन की कलियां, कड़ी पत्ते, 2 हरी मिर्च, धनिया, अमचूर पाउडर, नमक, देसी घी, राई, हल्दी। सबसे पहले हम आटे का डो लगाकर तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने एक भगोने में 1.5 कप पानी उबलने के लिए रख दिया है। पानी हमारा उबलने लगा है, इसमें हम स्वाद अनुसार नमक और 1 चम्मच देसी घी डाल देंगे। यहाँ आप कोई भी कुकिंग ऑयल डाल सकते हैं। और ये जो चावल का आटा है, इसे धीरे धीरे करके इस पर मिलाएंगे। और गैस की फ्लेम हम बंद कर देंगे। इसका हम ढक्कन लगा देंगे जिससे कि हमारा आटा फूल के अच्छी तरह तैयार हो जाए। इसे 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। ये जो हमने चने की दाल ली थी, ये 4 घंटे पहले भिगो के और साफ पानी से धुल के और इसका पानी निकाल लिया है, तब लिए। इसको एक मिक्सी के जार में डाल के इसका एक पेस्ट बना लेंगे। इसमें ये बड़ी इलायची है, इसे छील के डाल देंगे। इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। 4-5 लहसुन की कलियां, ये भी डाल देंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आप पसंद करते हैं तो डालें, वरना स्किप कर दें। 1/2 चम्मच जीरा और 1 पिंच हींग। इसे बिना पानी डाले हमें दरदरा पेस्ट बनाना है। पेस्ट बना के फिर दिखाती हूँ आपको। ये दाल मैंने पीस के तैयार कर ली है, ये मैंने दरदरी दाल पीसी है। अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर और थोड़ा सा धनिया डाल के अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये मिक्स हो चुका है। अब हम अपना आटा देख लेते हैं सेट हुआ कि नहीं। 10 मिनट हो चुके हैं। इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे। और इसे गुनगुना ही हमको गूंथ के तैयार करना है। ये हमारा हाथ सहराने लायक हो गया। चावल के आटे को मैंने 5 मिनट अच्छी तरह मसल कर गूंथ लिया है। अब हम अपने पीठे बनाने शुरू करते हैं। इसमें से 1 लोई तोड़ेंगे। लंबाई में करेंगे और छोटे छोटे गोले तोड़ेंगे। मैंने एक चकले पे पॉलिथीन बिछा ली है, इस पे थोड़ा सा घी लगा लेंगे। और इसे ऊपर से बंद करेंगे और धीरे से बेलन को घुमाते हुए हम इस पॉलिथीन को उठा के घुमाएंगे
इससे हमारे फरे थोड़ी सी चौड़ाई में बड़े बिल के तैयार होंगे। मैं इन्हें पॉलिथीन से बना रही हूँ, आप चाहें तो डायरेक्ट चकलेट पे रख के भी बना सकते हैं। धीरे से उतारेंगे, हाथ पे रखेंगे इस तरह, और इसके अंदर एक चम्मच स्टफिंग रखेंगे और इसे फोल्ड करेंगे। इसे हमें पूरा बंद नहीं करना, क्योंकि ये स्टीम में बनेंगे तो बस इसे हम थोड़ा ही बंद करेंगे और प्लेट में रखते जाएंगे। फिर एक गोला उठाएंगे, चकले पर रखेंगे। पोलोथीन रखने से ये हमारे फरे बहुत अच्छे बिल जाते हैं, टूटते नहीं हैं। देखिए हमारा दूसरा भी फरा बनकर तैयार है। चम्मच से इसमें बीच में स्टफिंग रखेंगे और इसे इस तरह फोल्ड करेंगे और थोड़ा सा दबाएंगे और रख देंगे। फिर से एक गोला उठाएंगे और बनाएंगे। इसी तरह हम सारे फरे बनाकर तैयार करेंगे। मैंने फरे बनाकर तैयार कर लिए हैं, अब हम इन्हें स्टीम कर लेते हैं। इधर मैंने गैस पर भगोना रख दिया और इसमें 1 लीटर पानी डाल दिया और गैस की फ्लेम हाई कर दी है। पानी में उबाल आने लगा। अब ऐसी या तो कोई ऐसी जाली ले लें छेद वाली, या इस पर एक सूती मलमल का कपड़ा बांध लें, उस पर भी बन सकते हैं। और इस जाली पर हम थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। और भगोने के ऊपर रख देंगे। और ये जो हमने फरे बनाए हैं इन्हें इस पर लगा देंगे। इसे ऊपर से एक प्लेट से कवर कर देंगे, जिससे कि हमारे स्टीम में अच्छी तरह से बनकर तैयार हो। इन्हें बनने में 15 मिनट लगेंगे। 15 मिनट बाद देखेंगे कि हमारे फरे किस तरह के बनकर तैयार हुए हैं। 15 मिनट हो चुके हैं, हम देख लेते हैं हमारे फरे कैसे बने हैं। हमारे फरे बन करके तैयार हैं, अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। अब हम अपने फरे में तड़के की तैयारी करते हैं। पहले हम फरे को पीसीस में कट कर लेंगे। फरे मैंने पीसीस में काट लिए। इधर मैंने गैस ऑन करके इस पर पैन रख दिया। अब हम तड़का लगा लेते हैं। इसमें 2 चम्मच कुकिंग ऑयल डाल लेंगे। ऑयल को गर्म होने देंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, इसमें 1 चम्मच राई, 2 बारीक कटी हरी मिर्चें ये डाल देंगे और कड़ी पत्ता बारीक कटा। इसमें हम अपने जो फरे के पीसीस कटे हैं
वो डाल देंगे। ऊपर से थोड़ा सा अमचूर पाउडर स्प्रिंकल कर देंगे। अब इसे मिक्स करेंगे। हमारे तरे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इन्हें भी सर्व कर लेते हैं। ये चावल और चने की दाल के फरे बनकर तैयार हैं। अगर ये मेरे चावल के फरे की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो पास में बेल आइकन का बटन है उसे क्लिक करना ना भूलें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच सके। थैंक यू।